हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स इत्यादि में। दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी का इंतजार करने वाले छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां फ्रेंड्स, फाइनली जो है ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। खुशखबरी आपको यही मिलने वाली कि आपका खत्म होने वाला इंतजार, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में आने वाली है बम्पर वैकेंसी, 1 लाख प्लस वैकेंसी आ सकती है। इसके बाद ही बात करें तो इसमें क्या नोटिफिकेशन कब तक के जारी हो सकता है ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी का 2024 वाली का, और जो है ITI इसमें जरूरी होगा या फिर नहीं, मतलब कि या तो सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर ही रहेगा इस बार भी, या फिर इस बार ITI कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो आइए हम एक एक करके सारी जो है अपडेट्स देख लेते हैं और सबको जो है आपको ऑफिशियली बताते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ अभी हमने जो है एक पेपर का आर्टिकल यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखिए, रेलवे की ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद, अजमेर की जो है अपडेट है। देखिए, रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, अभी जो है 2-3 दिन पहले जो है एक नोटिस वायरल हो रहा था, जिसमें जो है आपकी लगभग 30,565 वैकेंसी यहाँ पर टेक्नीशियन की कर दी गई है, 9,196 ऐसी कुछ पोस्ट से बढ़ा करके। लेकिन हमने वो वीडियो बना करके आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 50-50 आपका जो है नोटिफिकेशन है, मतलब कि आपका फेक भी हो सकता है या फिर रियल भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियली कोई भी इसके सोर्स नहीं मिल पाए थे। इसलिए जो है कई सारे जो है फेक होने के इसके जो है फैक्ट मैंने बताए थे वहीं पर वीडियो में और नोटिस में ही कि आपका ये फेक हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, वो जो है टेक्नीशियन का नोटिस फेक है, अभी तक के कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आई है, वो फेक ही है, उसको किसी ने बना करके इस तरह से भेजा था। अब आगे दे रखा है, रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है, जैसे NTPC ग्रुप डी वगैरह सब कुछ मिलाकर के 1,38,000 की जो है टोटल पोस्ट को कंप्लीट किया गया है। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त है। देखिए, अभी भी लगभग 2.5 लाख जो है वैकेंसी इसमें खाली है। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी की ओर पैरा मेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, आप सभी को पता है कि पैरा मेडिकल की भी जो है भर्ती की यहाँ पर ब्यौरा ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है, जैसे आपका स्टाफ नर्स हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट हुआ और आपका लैब टेक्नीशियन हुआ, इस तरह से। इसके बाद दे रखा है कि इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है, ब्यौरा मांग लिया गया और आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जो अगली वीडियो में। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। देखिए, ग्रुप डी की 2019 में 1,03,769 वैकेंसी आई थी। अब उसके बाद जो है अभी भी यहाँ अच्छी खासी वैकेंसी खाली है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सेफ्टी कैटेगरी में कोई वैकेंसी मानी जाती है तो असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और JEE, और उसके बाद जो है ग्रुप डी ही, और मेन सबसे ज़्यादा जो है ग्रुप डी की ही सबसे ज़्यादा भर्ती करवाई जाती है। अब इसके बाद ये आगे दे रखा है दोस्तों, ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। देखिए, अभी हम आपको ऑफिशियली बताने वाले कि अक्टूबर माह में क्यों आने वाली वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी नहीं थी, लेकिन रेलवे इस रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारियों को लेने का मन बना चुकी थी। देखिए, पहले जो है रेलवे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वैकेंसी देने वाली थी, कौन सी, पैरामेडिकल की, लेकिन आगे जो है रेलवे लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी की गई है। मतलब कि जो है यूनियंस वगैरह ने इस पर दबाव डाला कि नहीं, ये जो वैकेंसी होती है वो रेलवे कैंडिडेट्स, मतलब कि परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकालने का कोई भी औचित्य नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। वही हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने के बाद टेक्नीशियन की भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो है पहले 5,696 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको अब बढ़ा करके 18,799 पोस्ट, लगभग जो है 18,800 वैकेंसी कर दी गई है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। देखिए, सभी जोन से रिक्त पदों का जो है असिस्टेंट लोको पायलट का जो है रिव्यू मांग लिया है, जिसमें आपका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंट्रल रेलवे में इतनी हो चुकी है, उसके बाद SCR साउथ सेंट्रल में इतनी हो गई है, नॉर्दर्न रेलवे में इतनी हो गई है, सारे 16 जोनल रेलवे में जो है वैकेंसी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो है RRB पटना में जितनी 76 वैकेंसी थी, उतना की उतना 76 वैकेंसी ही इस बार भी है। आगे देखा, माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती पदों में भी संख्या 51,000 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। तो देखिए, ये जो 9,144 से बढ़ा करके 30,000 हो सकती है, तो ये देखिए अभी जो है यूनियन के जो है शिव गोपाल मिश्रा जी है, देखिए ये है जो है ऑल इंडिया
रेलवे मैंस फेडरेशन मतलब कि AIRF के जो है यूनियन है, तो उनके जो है शिव गोपाल मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी है। इन्होंने जो है एक इंटरव्यू में बोला था कि यहाँ पर आपकी जो है ALP की वैकेंसी को जो बढ़ा करके अभी जो है 18,000 किया गया है, 18,000 प्लस किया गया है, वहीं पर आप टेक्नीशियन की भी लगभग 9,000 से वैकेंसी बढ़ा करके 30,000 प्लस की जा सकती है, इस पर जो है विचार किया जा रहा है। इसके बाद ग्रुप डी की भी आपकी लगभग जो है 1,00,000 वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है, इन्होंने जो है बोला है इस तरह से। तो बिल्कुल दोस्तों, जब AIRF के जनरल सेक्रेटरी ये इंटरव्यू में अपनी बात रख सकते हैं तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों जो इनको इंटरनली खबर रहती है तो मे भी चांस है कि आपका जो है ग्रुप डी 100% जो है 80,000 प्लस, 70,000 प्लस या फिर लगभग 1,00,000 वैकेंसी भी आ सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है एनुअल कैलेंडर RRB का जो जारी किया गया था वो हमने ओपन कर लिया है। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका लेवल 1 मतलब कि ग्रुप डी, लेवल 1 मतलब कि आपका ग्रुप डी की वैकेंसी का जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मतलब कि आपका 1 अक्टूबर से लेकर के फाइनली 31 दिसंबर के बीच में कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, RRC ग्रुप डी वाले जितने भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, सभी छात्र अभी से ही अपनी वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग 70,000-80,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों RRC जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो उसमें 10th रहेगा या फिर आपका ITI कंपलसरी कर दिएगा, इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है इसका नोटिफिकेशन मतलब कि वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। CA नंबर 01/2019 वाले हम सेक्शन में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन लेवल 1 मतलब कि ग्रुप डी ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब आप सभी के सामने यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, अटेंशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 मतलब कि ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी वाला सेक्शन ओपन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी आपका दे रखा है, तो हम डायरेक्ट हिंदी वाले पर आ चुके हैं। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 जो वैकेंसी होती है मतलब ग्रुप डी, इसमें कर्मचारियों की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीधी भर्ती होती है उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि आपका NCVT द्वारा प्रदत्त जो NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है वो प्लस 10th होना चाहिए, मतलब कि आपका ITI कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया है, सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण मतलब या फिर 10th प्लस ITI होना चाहिए, ये अभी तक के निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन आगे इन्होंने दे रखा है, देखिए हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों में लेवल 1 मतलब ग्रुप डी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना मतलब एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 02/2018 एवं RRC 01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में जो प्रकाशित 2018 की ग्रुप डी और 2019 की ग्रुप डी अधिसूचित पदों की रिक्तियों में के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, देखिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास या फिर मतलब की ओर या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT द्वारा प्रदत्त NAC मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NC या फिर ITI या समकक्ष रखी गई है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2018 की वैकेंसी और 2019 की जो वैकेंसी आई थी सिर्फ और सिर्फ उसी में ITI की छूट देते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर यहाँ वैकेंसी निकाली गई थी। तो अभी जो है फ्यूचर में 2024 में अब जो आपकी अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है तो उसमें ITI का अभी तक के जो है ITI ही निर्धारित किया गया, मतलब कि ITI बेस पर ही वैकेंसी आएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, सरकार है, रेल मंत्री जी है, अब वो इस पर क्या अंतिम निर्णय लेते हैं इसके बारे में अभी कोई नहीं बोल सकता है कि आपका ITI ही कंपलसरी रहेगा या सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर ही आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स को ये लग रहा है कि ITI ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ ITI बेस पर आएगा, तो वो भी गलत है। और जो लोग YouTube पर बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर ही वैकेंसी आएगी तो वो भी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर रेल मंत्री और सरकार का ही अंतिम निर्णय होगा और जो है रेल मंत्रालय का अंतिम निर्णय होगा कि आपका 10th बेस पर ही देगा ये या फिर ITI बेस पर ही वैकेंसी निकाली जाएगी। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी, मतलब कि वन टाइम मेजरमेंट थी, जिसमें 02/2018 मतलब 2018 की वैकेंसी और 2019 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसी में जो है रही थी, उसके बाद भर्तियों के लिए ही थी। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी कि सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह, सिग्नल डिपार्टमेंट में प्रभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली, देखिए फ्यूचर में होने वाली भर्ती और जिनकी सूचना
15/6/2019 के बाद जारी होगी। उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कि NCVT द्वारा जो NAC मतलब कि नेशनल काउंसिल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होगा सहित इसके साथ साथ प्लस आपका 10th होना चाहिए मतलब कि NCA आप देख सकते हैं NAC मतलब कि आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है आपका 10th भी होना चाहिए या फिर आपके पास ITI प्लस 10th होना चाहिए या फिर आपका जो है 10th प्लस ITI कंपलसरी होना चाहिए ऐसा रेलवे के द्वारा बोला गया है। मतलब कि अभी यही निर्धारित है कि आपका जो है 10th प्लस ITI बेस पर आएगी मतलब ITI आपका होना जरूरी है। लेकिन अब रेल मंत्री जी क्या निर्णय लेते अंतिम निर्णय इस पर जो है जल्द ही जब भी अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स वैकेंसी भरना चाहते हैं तो अपने आप को जो है ITI कंप्लीट करें ITI जो है करके रखें ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर 50-50% मामला है। यहाँ पर अगर आपका ITI है तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 10th बेस पर आए तो भी आप इसको फॉर्म भर देंगे और ITI है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आप तो ITI बेस पर भरे जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स ने 10th ही किया है और ITI नहीं किया है तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक प्रकार से 50-50 मामला है कि यहाँ पर जो है अगर 10th बेस पर नहीं आई ITI बेस पर आई तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे 10th वाले सिर्फ 10th कैंडिडेट्स मतलब जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 10th ही रहेगा वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर ITI बेस पर यहाँ पर वैकेंसी निकलती है तो। और अगर 10th बेस पर आती है तो पूरे जो है कैंडिडेट्स यहाँ पर ITI प्लस 10th वाले सभी कैंडिडेट्स इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि यहाँ पर आपका जो है 10th मांगा जाएगा या फिर ITI मांगा जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना रखेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।